गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हैं, नई वीडियो हैं, उनकी नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलती रहे। और इसका कोई और साइड में लगा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपका। अब शुरू करने वाले हैं हम आर्टिकल, जो कि एयरफोर्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ नेवी, एसएससी और बैंक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अदर एग्ज़ाम्स जैसे जिनमें इंग्लिश आती है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का ही सेशन। तो बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल बेसिकली टू टाइप्स का होता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो यूज किया जाता है पार्टिकुलर, और कोई चीज़ पार्टिकुलर हो, यूनिक हो, ओनली वन हो, या स्पेशल हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, या पॉपुलर हो, जिसमें हम डा का यूज करते हैं जिनके लिए। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख रखा है मैंने ए एन, ए और एन वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे दिस इज अ बेबी दैट इज वेरी क्यूट, दिस इज अ बेबी दैट इज वेरी क्यूट। क्या सही है? एरर कहाँ है इसमें? एरर है इधर ए, क्यों? क्यों? यह वह बेबी है जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो क्या है? ये बेबी क्या बन गई? अब एक पार्टिकुलर बन गई, यूनिक बन गई, यूनिक बन गई। तो इसके साथ किसका यूज होगा? ना कि ए का, दा का यूज होगा, ना कि ए का। तो इसमें ए की जगह पे दा का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, ए और एन किस किस के साथ आते हैं वो बात कर लेते हैं। ए आता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन आता है वोवल्स के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे? कि अभी आप कहोगे कि सर ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अब आप बताओ इसमें से कौन सा आएगा, ए आएगा, एन आएगा या ए आएगा? तो बेसिकली जब हम देखते, आप कहोगे कि सर यू है तो वोवल में आता है, तो इसमें एन लगेगा, तो यहीं पे आप मात खा जाते हो। तो इसलिए मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अगर आपका वर्ड स्टार्ट होता है का से ज्ञान तक, तो उसकी उसमें ए का यूज होगा। अगर आपका वर्ड स्टार्ट होता है आ से अंग तक, तो इसमें एन का यूज होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी को आप कैसे लिखोगे? यू नी वर्सिटी, तो यू आ रहा है, तो यू कहाँ आता है? का से ज्ञान तक आता है, तो इसमें किसका यूज होगा? ए का। तो इसमें क्या आ जाएगा? ना कि एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी आएगा इसमें। तो ऐसे ही कुछ और हैं, ऑनेस्ट है, आवर है, एयर है, ऑनरेबल है, आवर है, हिस्टोरिकल है, तो इसमें एन का यूज होता है इनके साथ। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल की पोजीशन क्या रहने वाली है वो हम जानेंगे। आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले आर्टिकल आता है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम यू नो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम यू नो, बिग क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है कि बिग प्रॉब्लम है। तो हमें पता है कि उससे पहले आर्टिकल आना चाहिए, यानी कि
एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आना चाहिए, बिग है, बिग से पहले आर्टिकल आना चाहिए, ना कि बाद में। यानी कि ये जो ए है आर्टिकल, वो पहले आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम यू नो। नेक्स्ट देखते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सन क्या है, सन क्या है, दुनिया में एक ही सन है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में तो एक ही है ना, एक ही सन है, यूनिक है, ओनली वन है। तो इसमें क्या आ जाएगा, उससे पहले क्या आता है, आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल आता है। अब देखते हैं, ही टर्न टू द लेफ्ट, ही टर्न टू लेफ्ट, यानी कि कोई दिशा हो, राइट लेफ्ट, इसमें इस केस में आता है द, ही टर्न टू द लेफ्ट। देखते हैं नेक्स्ट, देयर आर मैनी बॉयज इन क्लास, क्या है, सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्लास है, ये वह क्लास है जिसमें बहुत सारे बॉयज हैं, तो स्पेशल बनेंगे क्लास, तो इसमें क्या आ जाएगा, देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस हैं इसमें, पहला स्पेशल केस देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है, दा का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, एडजेक्टिव में ईएसटी लगा के, या एडजेक्टिव से पहले मोर लगा के सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एग्जांपल देखते हैं, दीज आर मोस्ट एक्साइटिंग मूवीज, दीज आर मोस्ट एक्साइटिंग मूवीज, मोस्ट क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री हुई। हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होगा, दा का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीज आर द मोस्ट एक्साइटिंग मूवीज। देखते हैं, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, एडजेक्टिव में, जिसमें एडजेक्टिव में ईआर लग जाए, और एडजेक्टिव से पहले मोर लग जाए, तो एक बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। वैसे ही जैसे सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद ईएसटी लग के सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और इसमें कंपैरेटिव डिग्री के केस में चॉइस दी हुई होती है और प्रोपोर्शन दिया हुआ होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, ऑफ द टू मोहन इज क्लेवरर, ऑफ द टू यानी कि ऑफ आ रहा है, यानी कि चॉइस आ रही है, चॉइस आ रही है, जहाँ पे भी ऑफ आ जाए उसका मतलब है चॉइस आ रही है, चॉइस आ रही है दो में से। मोहन इज क्लेवरर, क्लेवरर यानी कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, कंपेरेटिव डिग्री आ रही है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले हमें किसका यूज करना है, दा का, यहाँ क्या आ जाएगा, दा। ऑफ द टू मोहन इज द क्लेवरर। तो देखते हैं, हायर यू गो द कूलर यू फील, हायर यू गो द कूलर यू फील, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर दा आ रहा है सेकंड में, द कूलर यू फील, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी दा का यूज होगा, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन दिया है, चॉइस दी है। राधा इज मोर केयरफुल देन मीरा, राधा इज मोर आ रहा है, कॉम्पिटेटिव डिग्री आ रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या जाएगा, अब क्या ये बिल्कुल भी सही है या नहीं है, अब आप बता दीजिए। राधा इज मोर केयरफुल देन मीरा, ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें क्या आएगा, दा का यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है, सही है, राधा इज मोर केयरफुल देन मीरा। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, अ डायरेक्टर एंड मैनेजर, कहीं पे भी ऐसा हुआ लिखा हुआ मिल जाए आपको, अ डायरेक्टर एंड मैनेजर, तो इसमें क्या होता है, इसके इसमें हमें पता है कि जो डायरेक्टर है और मैनेजर है
वो कौन है, वन पर्सन है, क्योंकि दो जगह इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा। अगर इसमें दो जगह आर्टिकल का यूज होता तो ये हमें पता चल जाता कि टू पर्सन्स हैं। तो इसमें हम वर्ब भी प्लूरल लगाते। अब इस केस में, फर्स्ट केस में हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। जो डायरेक्टर है और जो मैनेजर हो एक ही व्यक्ति है। इसमें सेकंड वाले में अ डायरेक्टर एंड अ मैनेजर, क्योंकि दो जगह इसमें आर्टिकल आ रहा है तो ये अलग अलग है। ये यहीं पर, यहाँ पर बताया गया है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड आर्टिकल और नाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दो जगह आर्टिकल आ रहा है नाउन से पहले और जुड़ा हुआ है एंड से, तो वहाँ पे टू पर्सन होने की चांसेस हैं। चांसेस नहीं है ही, 100% वो टू व्यक्ति हैं। सेकंड देखते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन एंड से जुड़ा हुआ है एंड नाउन, यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक बंदा है, इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी। देखते हैं रूल नंबर थर्ड, द, नाउन से पहले द प्लस प्रपोर्शन प्लस नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन। तो इस केस में क्या होता है, कहीं पे भी प्रपोजिशन दी हुई हो उसके बाद नाउन हो और उससे पहले भी नाउन हो तो वहाँ पे केस बनता है दा का, उससे पहले दा आएगा ही आएगा। जैसे द सेफ आफ्टर सेफ हैज अराइव्ड, इसमें हमें पता है कि दो नाउन दिए हुए हैं, जोड़ा हुआ है प्रपोजिशन से, उससे पहले दा का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सेम नाउन है। अगर दूसरा हम वो बता रहे हैं, अगर सेम नाउन है, नाउन सेम है, प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है और तो उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे नाउन अलग अलग है, हैबिट ऑफ स्मोकिंग, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग किल्स, जुड़ा हुआ है प्रपोजिशन से तो उसमें क्या होगा, द का यूज होगा ही होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ, इसमें उसके बाद नो आर्टिकल प्लस नाउन, इसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इन दोनों के नाउन उनके बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एग्जांपल, आई डू नॉट लाइक दिस वैरायटी ऑफ द एनिमल्स, मैंने बताया कि वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ इस टाइप के जो केस बनते हैं उनमें के बीच में दा का यूज नहीं होता, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक दिस वैरायटी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट ऑफ रैंक ऑफ टाइटल ऑफ पोजीशन ऑफ, इनके साथ भी यही केस बनेगा कि इनके साथ इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। छठवां देखते हैं, नॉमिनेट इलेक्ट मेक अपॉइंट सेलेक्ट नेम ETC, ये भी सेम केस है, इनके बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा प्लस नाउन, नाउन और इनके बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दे मेड हिम अ कैप्टन, क्या हो जाएगा, नाउन आ गया, मेड आ गया, इनके बीच में आर्टिकल लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, गलत, इसमें आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दे मेड हिम कैप्टन। ऐसे ही सेकेंड, ही वॉज इलेक्टेड अ लॉयर, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड ओनली लॉयर। ऐसे देखते हैं केस, मैन वुमेन फादर मदर साइंस वाटर वॉर नेचर आंट ब्रदर ETC। इस केस में अगर ये आ रहे हैं किसी पार्टिकुलर सेंस में तो उसमें दा का यूज होगा, अगर ये आ रहे हैं किसी कॉमन सेंस में तो दा का यूज नहीं होगा। जैसे कि द मैन इज मॉर्टल, आदमी जो इंसान है, मनुष्य नश्वर है, सबको पता है नश्वर है, इसमें कोई पार्टिकुलर सेंस वाली तो बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसमें दा का यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल।
ऐसे ही वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर, हमें कई ग्लासेस पानी पीना चाहिए, ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो इसमें द वाटर की जगह वाटर आएगा खाली, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर। अगर ये आता किसी पार्टिकुलर सेंस में तो उसमें द का यूज हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पार्टिकुलर सेंस में नहीं आ रहा तो इसमें द का यूज हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं, कॉलेज, स्कूल, चर्च, हॉस्टल, जेल, प्रिजन, हॉस्पिटल, टेम्पल और बहुत सारे। अगर ये आ रहे हैं किसी प्राइमरी पर्पज में तो इसमें द का यूज नहीं होगा। अगर ये आ रहे हैं किसी सेकेंडरी पर्पज में तो द का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, तो यहाँ पे द का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सेकेंडरी पर्पज से गया है ना कि प्राइमरी पर्पज से। अगर वो कोई वहाँ का डॉक्टर वगैरह होता, कुछ होता जिसका मतलब वहाँ आना जाना है, प्राइमरी पर्पज है उसका, तो वहाँ पे हम उस केस में हम द का यूज़ नहीं करते। लेकिन वो अपने दोस्त को जो उसमें एडमिट है उसको देखने गया है तो इसमें ये सेकेंडरी पर्पज हो जाएगा, या यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने द का यूज कर देंगे। सेकेंड देखते हैं, वी ऑलवेज गो टू द स्कूल टू गेन सम नॉलेज, टू गेन सम नॉलेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो नॉलेज लेने के लिए जाता है स्कूल कोई भी व्यक्ति, हम जाते हैं नॉलेज लेने के लिए, हमारा कोई सेकेंडरी पर्पज़ नहीं है वहाँ पे जाने का, सभी जाते हैं। तो यहाँ पे कोई सेकेंडरी पर्पज़ नहीं है तो द का यूज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं हुआ। वी ऑलवेज गो टू स्कूल टू गेन सम नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव, जैसे कि एग्जाम्पल हु, दैट, विच, से पहले नाउन, से पहले द का यूज होगा ही होगा। जैसे दिस इज अ मैन हु इज ब्लाइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ मैन हु इज ब्लाइंड, तो इसमें क्या होगा, दिस इज अ मैन, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन हो गया, उसके बाद क्या है, रिलेटिव आए, हु से पहले, रिलेटिव से पहले नाउन है, नाउन से पहले ए आ रहा है तो इसमें ए नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, द। दिस इज द मैन हु इज ब्लाइंड, ये वह व्यक्ति है जो अंधा है, तो इस पर सब लग गया, रिलेटिव है, हु से रिलेट कर रहा है तो द का यूज होगा। द स्नेक वी सॉ वॉज वेरी फियर्स, तो इसमें इस केस में क्या आएगा, द का यूज होगा। जो वह सांप जो बहुत भयंकर था तो रिलेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, क्या आ जाएगा, द का यूज होगा ही होगा स्नेक से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, मेनली बात करें हम, फ्रेजेस वो होते हैं जो प्रपोजिशन प्लस नाउन ऐड करने से बनते हैं, जैसे बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर, बाय नेम, ऑन डिमांड, ऑन फॉर्ट, ऑन स्ट्राइक, एट लीस्ट, एट नाइट, एट लास्ट, एट लार्ज, एट रैंडम, एट स्ट्रेच, एट नून, एट हैंड, इन डेंजर, इन डाउट, इन सस्पिशन, इन ट्रबल, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन डिटेल। तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशन प्लस नाउन को जोड़ने से क्या बन गया, फ्रेज। तो इसमें हम एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर इनके बीच में अगर हमने द का यूज कर दिया, किसी आर्टिकल का यूज कर दिया तो वहाँ उस केस में गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके केस में द का यूज या आर्टिकल का यूज ए एन का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल यूज बिटवीन। अगर इनके ये सेम रहेगा, अगर एट लास्ट सही है, अगर एट द लास्ट कर दिया द का यूज, आर्टिकल का यूज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा उस केस में। अब देखते हैं, अगर वर्ब को, नोट करके लिखा है, अगर वर्ब को चेंज कर दिया जाए नाउन में तो आर्टिकल ए एन ले लेता है, वर्ब है उसको हमने चेंज कर दिया नाउन में
नाउन में कर दिया तो आर्टिकल क्या ले लेगा, ए या ए एन। जैसे कि रिप्लाई है, रिप्लाई क्या है, एक वर्ब है, रिप्लाई देना। तो अगर उसे हम किसी नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, जैसे ही सेंट मी रिप्लाई, तो उसमें क्या करेगा, उस केस में ये अपने साथ आर्टिकल ए एन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेंट मी अ रिप्लाई। इसमें क्या होगा, आई गो फॉर अ वॉक, ही गिव मी एन आंसर, टेल अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं, ए अगर क्वांटिटी है या यूनिट है, कोई क्वांटिटी है या यूनिट है, उसमें उससे पहले ए एन का यूज करते हैं। जैसे कि किलोग्राम ऑफ राइस है, तो क्या हो जाएगा, अ किलोग्राम ऑफ राइस, अ किलोग्राम ऑफ राइस। नेक्स्ट है डजन ऑफ मैंगोज, अ डजन ऑफ मैंगोज, क्योंकि क्वांटिटी है, यूनिट है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मदद हो सके उन स्टूडेंट्स की, उन एस्पिरेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, नेवी की। थैंक यू गाइस।